को तीन टाइप में तोड़ने, एक होता है कॉनकेव, ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है प्लेन, ठीक है। तो इन तीनों के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ हम लोग को रखनी है वो रखनी है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ रखनी है वो रखनी है पॉजिटिव, और जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ को चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो दोनों ही क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मिरर में ये कंसेप्ट हो गया कि कॉन्केव है तो उनको नेगेटिव रखनी उसकी फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रखनी है, प्लेन मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ बोले चाहे आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले वो कितनी रखनी है, ठीक है। अब देखिए इससे जो एक्सप्रेशन है जो फॉर्मूले वो देख लेते हैं। तो देखिए मिरर फॉर्मूला होता है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन प्लस, ठीक है। एफ क्या होती है फोकल लेंथ, फोकल दूरी। बी क्या होती है इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेकर के, इमेज की डिस्टेंस कहाँ से लेकर के मिरर से लेकर के जो इमेज बन रही है उस डिस्टेंस को बोलते हैं, और मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं। तो हमको क्या दिया जाएगा, मान लीजिए इमेज की डिस्टेंस दे दी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, तो आपसे क्या पूछेगा फोकल। तो आपसे कोई भी दो चीज़ें दे देगा और थर्ड आपसे पूछेगा। साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे ये मिरर है तो इसके इधर से इसका पोल होता है, तो इसके इधर साइड जो भी चीज़ें उनको आपको नेगेटिव रखना है, तो जनरली ऑब्जेक्ट इसी साइड रखते हैं तो जनरली आपको नेगेटिव मिलेगा। अब इसकी इमेज अगर इधर ही बन रही है तो वी भी नेगेटिव हो जाएगा, और कभी कभी इमेज इस साइड भी बनती है तो वी पॉजिटिव जाएगा। एफ कैसे रखनी वो आपको पता है, ठीक है। ये मिरर का एक्सप्रेशन है, ये कॉनकेव पे भी लगेगा और कॉन्वेक्स पे भी लगेगा। इसके अलावा होता है कि लीनियर मैग्नीफिकेशन, इसका फॉर्मूला होता है आई अपॉन ओ इक्वल टू माइनस यू अपॉन आई। क्या है इमेज की लेंथ, ओ क्या है ऑब्जेक्ट की लेंथ, वी क्या है इमेज की डिस्टेंस मिरर से, और यू क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है जिससे मिरर से रिलेटेड मेथड्स हम लोग लगाएंगे। अब देखते हैं जैसे हम लोग ने ये कंसेप्ट मिरर में पढ़ा है ऐसे हम लोग को लेंस में भी मिलेगा। तो ये कॉन्वेक्स लेंस, ये है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव की जो फोकल लेंथ रखनी है आपको वो पॉजिटिव रखनी है, कॉनकेव की नेगेटिव रखनी है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन, ठीक है। इसके लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा आई अपॉन ओ इक्वल टू वी अपॉन, ठीक है। लेंस से रिलेटेड एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है पावर का, पी इज इक्वल टू होता है वन अपॉन डायरेक्टर स्टेंट होता है, एफ को हमेशा इसमें मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में दी जाए तो आप अपना फॉर्मूला बना लोगे 100 अपॉन, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुनामी, ठीक है, वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रिज्म हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, और इससे हम लोग क्या कि वाइट कलर की लाइट जो है इंसिडेंट है, ये वाइट कलर की लाइट है। तो आपने पढ़ा था जैसे ही प्रिज्म में वाइट कलर की लाइट पे आती है तो अपने सेवन कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप सबसे पहले यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, ये इसके जाने का रास्ता। अब इन्हीं दोनों लाइनों के बीच में ही वो सेवन रेज आपको दिखा दिए, और यहाँ से वही सेवन रेज क्या हो जाएंगी बाहर गए लॉस हो जाएंगी। तो जब भी वाइट लाइट रे आएगी इसी सरफेस पे वो ये वाली लाइन जो ऊपर तक जा रही है जो इसके रास्ते के लॉन्ग की पाथ के लॉन्ग की और ये नॉन, इन्हीं दोनों के बीच में हमें जो है सेवन कलर्स की वो जो रेज है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही अपने डायरेक्शन में जिस नहीं बना सकते, वो जो सेवन रेज होंगी वो इसके और इसके बीच में ही बनेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वाइट कलर की लाइट रे आएगी सेवन कलर से वो स्प्लिट हो जाएगी, उसका बैंड कुछ इस तरीके होगा, ठीक है सर। अभी आपको बताना है कि जो मैक्सिमम डेविएशन है, मैक्सिमम डेविएशन वो किस कलर का हुआ है,
देखिए सबसे नीचे कौन सा है, और ये जाने का रास्ता था, और सबसे ज्यादा डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन सा है, y। तो मैक्सिमम डेविएशन किसका है, मिनिमम डेविएशन किसका है, रेड का। ठीक है, तो मैक्सिमम डेविएशन हो गया वायलेट का, मिनिमम डेविएशन हो गया। ठीक है, अब एक चीज होती है स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन। तो वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, जिसकी वेवलेंथ कम उसकी स्कैटरिंग कम। सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होता है, वायलेट। ठीक है, सबसे कम कौन स्कैटर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मैक्सिमम किस कलर के लिए शो करता है, वायलेट कलर के लिए। मिनिमम किस कलर के लिए शो करेगा, रेड कलर के लिए। अब अगर हम लोग फॉर्मूला लगा दें एन इक्वल टू सी अपॉन, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेगा। सी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और बी होती है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जो मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वायलेट का है। तो अगर ये मैक्सिमम है तो पक्का बी की वैल्यू मिनिमम होगी, यानी इसमें वायलेट कलर की जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी, और सबसे तेज स्पीड किसकी होगी, रेड। तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक और देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मिरर के बारे में पढ़ा, तीन तरीके के मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और जो कॉनकेव है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रखनी है, कॉन्वेक्स है पॉजिटिव रखनी है, प्लेन है तो फोकल लेंथ बोले या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोले तो इनफाइनाइट रखनी है। एक रिलेशन और होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, एफ इक्वल टू आर बाई। फिर हम लोग ने मिरर के फॉर्मूले के बारे में पढ़ा, मिरर के फॉर्मूले क्या होता है, वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू। जो होती है इमेज की डिस्टेंस, ये होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, है वो की फोकल लेंथ, और ये होता है लीनियर मैग्नीफिकेशन आई अपॉन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। फिर यही चीज़ें हम लोग ने लेंस के लिए पढ़ी, कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव रखना है, कॉन्केव लेंस है नेगेटिव रखनी है, फॉर्मूला है वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन। लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है आई अपॉन इक्वल टू वी अपॉन, पावर का फॉर्मूला है वन अपॉन है, लेकिन एफ को हमें किस में रखना है, मीटर में। अगर ये फॉर्मूला आप सेंटीमीटर में लगाना चाहते हो तो पी इक्वल टू होगा 100 अपॉन एफ, और एफ को स्टैंड रखना होगा इन सेंटीमीटर। अब अच्छा इनका यूसेज देख लेते हैं, एक जो हम लोग ने न्यूमेरिकल्स में यूज किया। आपको याद होगा जो कॉन्वेक्स लेंस होता था वो हम लोग यूज करते थे हाइपरमेट्रोपिया में, दूरदृष्टि दोष, और ये जो कॉन्केव लेंस है इसका यूज हम लोग करते थे मायोपिया। तो ये यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में, और ये यूज होता है मायोपिया में। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये यूज होगा हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष में, और ये यूज होगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वाइट कलर की लाइट की आएगी तो इमेज के जाने का रास्ता था, ये नॉर्मल था, इनके बीच में हमें सात इमेज बनानी होती है। सबसे ज्यादा डेविएट कौन होता है, वायलेट। सबसे कम डेविएट कौन होता है, रेड। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस कलर के लिए शो करता है, प्लीज वायलेट के लिए। इसलिए उसकी स्पीड इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, सबसे कम। तो ये सारे कंसेप्ट थे जो आपको रिवाइज कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन आपके जो आएंगे मल्टीपल चॉइस वाले ऑप्शन आएंगे उसमें दिए गए होंगे सारे, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो फॉर्मूला रिलेटेड। ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।